हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। आज के वीडियो का टॉपिक है एक काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। और आई थिंक आजकल क्योंकि हम अलग अलग कुकवेयर यूज़ करते हैं, अपने पुराने कुकवेयर को चेंज करने के बारे में सोचते हैं, तो आई फील ये टॉपिक आपके लिए यूजफुल होगा। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कास्ट आयरन और नॉर्मल आयरन के कुकवेयर के बारे में। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनके यूसेज और मेंटेनेंस रिलेटेड क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कास्ट आयरन और नॉर्मल आयरन वैसे आयरन के ही कुकवेयर है दोनों, लेकिन इनका जो कंपोजिशन होता है उसके हिसाब से इनकी प्रॉपर्टीज भी बदल जाती है। कास्ट आयरन अलॉय है आयरन, कार्बन, थोड़ा सा सिलिकॉन और मैंगनीज का। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में ये अलॉय क्या होता है। अलॉय यानी एक से ज़्यादा मेटल को मिक्स करना ताकि जो रिजल्टेंट मेटल है उसकी प्रॉपर्टीज बेटर हो जो ओरिजिनल मेटल है उससे। कास्ट आयरन एक अलॉय है जो बनता है आयरन, कार्बन, स्मॉल अमाउंट ऑफ यानी थोड़ी सी मात्रा में सिलिकॉन और मैंगनीज से। इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके मेल्ट करके कास्ट किया जाता है, इसलिए इनका नाम कास्ट आयरन कुकवेयर या फिर कास्ट करने की वजह से कास्ट इनके साथ जुड़ा हुआ है। इन्हें कास्ट करने के लिए यानी इन्हें शेप देने के लिए रेत यानी सैंड के मोल्ड्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो इतना हाई टेम्परेचर है उसे विथस्टैंड कर पाते हैं। और अगर ध्यान से आपने कास्ट आयरन कुकवेयर को देखा होगा तो आपको हल्का सा वो टेक्सचर भी उस पर दिख जाता है। वैसे सैंडिंग और काफ़ी सारी चीज़ें की जाती है उसे मोल्डिंग करने के बाद, बट स्टिल आपको एकदम स्मूथ कास्ट आयरन का कुकवेयर नहीं दिखेगा अगर आप उसे पास से देखेंगे। क्योंकि कास्ट आयरन के कुकवेयर अलॉय को मेल्ट करके कास्ट करके यानी एक मोल्ड में डालकर बनाए जाते हैं, तो इनमें कहीं पर भी आपको जॉइंट्स नहीं नज़र आते। अगर एक तरफ कुछ कान बना हुआ है बर्तन में या फिर हैंडल बना गया है, ये पूरा सीमलेस होता है यानी एक ही बर्तन होता है बिना किसी जॉइंट का। अब जानते हैं कि जो नॉर्मल लोहे के बर्तन हैं वो कैसे बनते हैं। अब जो प्योर आयरन हम कहते हैं कि ये प्योर लोहे का प्योर आयरन का बर्तन है, एक्चुअली एकदम प्योर आयरन वो नहीं होता है। आई नो उसमें लोहे यानी आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, बट वो भी एक तरह का अलॉय होता है जिसे माइल्ड स्टील कहा जाता है, और ये माइल्ड स्टील एक तरह का कार्बन स्टील है। अभी इससे ज़्यादा बहुत हम इसके कंपोजिशन के परसेंटेज में नहीं जाएंगे, हम मेटलर्जी नहीं पढ़ रहे हैं, पर मैं आपको बता दूँ कि कास्ट आयरन की तरह जो नॉर्मल लोहे के बर्तन हैं वो भी अलॉय है, लेकिन ये अलॉय बनता है लोहे और कार्बन से। अब कास्ट आयरन में भी लोहा भी है कार्बन भी है, बट जो कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू जो माइल्ड स्टील हम कहते हैं, तो लोहा प्लस कार्बन इन लेस परसेंटेज। और फिर इसके बाद जो आयरन की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। अगर एकदम प्योर आयरन होगा तो वो ज़्यादा सॉफ्ट होगा, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा सा कार्बन ऐड किया जाता है, जो माइल्ड स्टील जो कि एक टाइप ऑफ कार्बन स्टील है। ये जो नॉर्मल लोहे के हमारे कुकवेयर होते हैं इन्हें शीट्स से बनाया जाता है, तो माइल्ड स्टील की शीट्स बनाई जाती है और उसे किसी मोल्ड में ऐसे प्रेस करके बर्तन का शेप दिया जाता है। और ये सीमलेस नहीं होते हैं, इनमें अलग से रिवेटेड हैंडल्स यानी जो छोटे छोटे रिवेट्स होते हैं वो आपको दिखेंगे, हैंडल्स की जगह पर जॉइंट दिखेगा। तो इस तरह से बनता है ये नॉर्मल लोहे का कुकवेयर, जिसे हम प्योर लोहे का कहते हैं, बट वो भी एक तरह का अलॉय ही है। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। तो कास्ट आयरन जो कुकवेयर होते हैं, अगर आप इन्हें सही से मेंटेन करें तो ये सालों साल चलते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक भी इन्हें पास किया जा सकता है अगर आप इनके जो मेंटेनेंस की चीज़ें हैं उन्हें फॉलो करेंगे। तो कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से कास्ट आयरन होता है स्ट्रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम वो ज़रा ब्रिटल भी हो जाता है। तो कास्ट आयरन का बर्तन अगर एक कंसिडरेबल हाइट से आपके हाथ से गिर जाए तो वो टूट भी सकता है। कास्ट आयरन के बर्तनों पर सीजनिंग होती है, यानी इन्हें प्री सीजन किया जाता है ताकि उनका सरफेस नॉन स्टिक बन जाए। तो आजकल प्री सीजन कास्ट आयरन के बर्तन अवेलेबल है जिनके ऊपर हमें ब्लैक लेयर दिखती है। ये सीजनिंग अगर आपने देखा हो तो ऑयल से की जाती है। अच्छी ब्रांड का लेंगे तो ऑयल यानी बिना केमिकल का यूज़ करके ही उस सीजनिंग की लेयर को चढ़ाया जाता है। अगर आप कास्ट आयरन का बर्तन खरीदते हैं जो प्री सीजन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दोबारा से कभी उसकी सीजनिंग करनी ही नहीं पड़ेगी। आपको उसका एज अ पार्ट ऑफ मेंटेनेंस उसकी सीजनिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप कास्ट आयरन के बर्तन के ऊपर एक लेयर लगाएं तेल की और उसे 5 से 10 मिनट या फिर अच्छा धुआं उठने तक गर्म करें। इस तरह से आप कास्ट आयरन के बर्तन को सीजन कर सकते हैं। अब इस सीजनिंग की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा उस बर्तन में खाना बनाते हैं। खाना बना बना कर अगर आपको लग रहा है कि वो कोटिंग पतली हो गई है, वो लेयर पतली हो गई है, खाना चिपकने लग रहा है, तो आप वो सीजनिंग का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं।
अब जो नॉर्मल लोहे के बर्तन हैं उनमें इस तरह की सीजनिंग नहीं ज़्यादा रह पाती क्योंकि उनका सरफेस बहुत स्मूथ होता है। कास्ट आयन का सरफेस ऑन दी अदर हैंड रफ होता है तो वहाँ सीजनिंग ज़्यादा स्टे करती है। आप तेल लगाएं और नॉर्मल लोहे के बर्तन को यानी माइल्ड स्टील के बर्तन को अच्छे से गर्म करें तो एक अच्छे लेवल का नॉनस्टिक एक लेयर आपको हल्की सी उस पर भी मिल जाएगी। कास्ट आयन हो या फिर नॉर्मल लोहे का बर्तन, दोनों के बेनिफिट्स हैं कि ये हमारे खाने को आयन रिच कर लेते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड आयन की अमाउंट भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं हो जानी चाहिए। तो नॉर्मली जो हम कास्ट आयन का बर्तन होता है उसमें कुछ बनाते हैं तो कुक होने के बाद, खाना पकने के बाद उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे बर्तन में। ये सेम चीज़ लागू होती है नॉर्मल माइल्ड स्टील के बर्तन में भी। तो यहाँ पर ये दोनों में कॉमन चीज़ है कि इनमें अगर आप कुछ भी पकाते हैं तो ज़्यादा देर आप खाने को रहने ना दें उस बर्तन में। और ये चीज़ जो है ये ऐसे इम्पैक्ट करेगी कि आपके खाने में ज़्यादा आयन उतर जाएगा और उससे टेस्ट भी कुछ अजीब सा हो जाता है, मेटलिक सा टेस्ट आता है। अगर जैसे हम कहते हैं ना सोपी टेस्ट, साबुन टाइप का, वैसे मेटल टाइप का टेस्ट आ जाता है जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। और ये चीज़ ज़्यादा जल्दी आपको नोटिस होगी नॉर्मल यानी माइल्ड स्टील वाले बर्तन, माइल्ड स्टील यानी जो नॉर्मल लोहे का बर्तन है उसमें। तो दोनों में ही आप इस बात का ध्यान रखें कि खाना ज़्यादा देर तक बर्तनों में ना छोड़े। अब जो एसिडिक यानी खट्टी चीज़ें पकाने का सवाल है तो आप दोनों में बना सकते हैं एज लॉन्ग एज आपकी जो सीजनिंग है वो सही से है, इंटैक्ट है, और बनाते से ही आप अपना खाना दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। बट अगर आप जो एसिडिक चीज़ें हैं जैसे कड़ी है या फिर जहाँ ज़्यादा खट्टी चीज़ को देर तक उबालना है, पकाना है, वो अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें। अब बात करते हैं इनके स्टोरेज की। स्टोरेज से मेरा मतलब है जब आप इन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपकी किचन ट्रॉली में या बर्तनों के रैक में जब ये पड़े हुए हैं तब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब कास्ट आयन हो या नॉर्मल लोहे का बर्तन, अगर आप धोने के बाद इन्हें ड्राई करके ऐसे ही छोड़ देंगे तो इनके ऊपर जंग लग जाता है। धोने के बाद, सुखाने के बाद आप तेल की कुछ बूंदें डालें, हाथ से फैला लें या फिर किसी कपड़े से। कास्ट आयन के लिए मैं टिश्यू पेपर का यूज़ आपको सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि कास्ट आयन का सरफेस रफ होता है। टिश्यू पेपर अगर आप उस पर रगड़ने लगेंगे तो उसके ही छोटे छोटे जो थ्रेड्स होते हैं वो कास्ट आयन पर अटक जाते हैं और तेल पर चिपक जाते हैं। जो नॉर्मल माइल्ड स्टील का बर्तन है उसमें आप तेल को फैलाने के लिए टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं। बट सेफ ऑप्शन है कि आप कोई कॉटन का कपड़ा यूज़ कर ले, एक छोटा सा टुकड़ा अलग से निकाल के रख सकते हैं। अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा है और जंग लग गया है अगर आपके बर्तन पे, फिर वो नॉर्मल लोहे का बर्तन हो या फिर कास्ट आयन का, तो अच्छे से 2 से 3 बार हल्का सा स्क्रब करके आप उन्हें वॉश कर लें कि जंग निकल जाए, और उसके बाद सीजनिंग का प्रोसेस फॉलो करें और स्टोर करने के टाइम पर भी एक पतली सी तेल की लेयर चढ़ाकर ज़रूर रखें। वेट की अगर हम बात करें तो सेम साइज़ का बर्तन अगर आप कास्ट आयन में देख रहे हैं, मतलब कढ़ाई फॉर एग्जांपल, और नॉर्मल आयन में, तो कास्ट आयन का बर्तन आपको ज़्यादा हैवी लगेगा। अब हैवी काफ़ी होता है वो, अगर आपने कभी कास्ट आयन का बर्तन उठाकर देखा है तो ये भी एक पॉइंट है जो आप एज अ डिसाइडिंग फैक्टर रख सकते हैं कि आपको कास्ट आयन खरीदना है या नॉर्मल आयन। क्योंकि अगर आपको कुछ जो बोन्स का, जॉइंट का प्रॉब्लम है कि आपको बहुत हैवी बर्तन नहीं उठाने हैं, तो आप कास्ट आयन अवॉइड करके जो नॉर्मल लोहे के बर्तन हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। वो पतली शीट्स के भी होते हैं तो आपको उन्हें हैंडल करने में, उन्हें मूव करने में ज़्यादा आसानी होगी। अब बात करते हैं इनकी सफाई की। अब आपने कई बार सुना होगा कि कास्ट आयन के बर्तन को साबुन से नहीं धोना चाहिए, सिर्फ पानी से ही निकालें। मैं ऐसा कभी फॉलो नहीं करती हूँ। खाना लगा हुआ है, तेल लगा है, कुछ पका है तो वो साफ़ होना चाहिए और सोप से साफ़ होना चाहिए, ये मेरा कहना है। आप कुछ सिंपल सी चीज़ों को फॉलो करें, आपके कास्ट आयन के बर्तन सोप यूज़ करने के बाद भी ख़राब नहीं होंगे। सबसे पहली बात कि आप कास्ट आयन के बर्तन में अगर कुछ चिपक भी जाता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि बर्तन को थोड़ा पानी डालकर भिगो कर रख देते हैं। भिगो कर आप रख सकते हैं पर कास्ट आयन या लोहे के बर्तनों को बहुत देर तक आप भिगो कर ना रखें। कास्ट आयन के बर्तन को अगर भिगोने की ज़रूरत नहीं है तो ना भिगोएं, सीधे पानी से गीला करें, एक सॉफ्ट वाला स्क्रब ले लें। स्टील का स्क्रब हो सके तो ना यूज़ करें, नॉर्मल जो स्पंज वाला होता है जिसके साइड में ग्रीन स्क्रब होता है जो रिलेटिवली हार्ड होता है, तो कहीं पर आपको हल्की सी स्क्रबिंग करनी है तो वो साइड आप यूज़ कर लें। जो डिश वॉशिंग लिक्विड है उसे लें और हल्का सा, एकदम हल्के हाथ से कि आपका जो खाना है वो निकल जाए, इस तरह से धोएं। पानी से धोने के बाद इन्हें नॉर्मल ड्राई करने के लिए ना रखें। मैं सजेस्ट करूंगी कि तुरंत आप किसी कपड़े से पोंछ लें ताकि इनका सरफेस ड्राई हो जाए। ये सिमिलर
सिमिलर स्टेप आप अपने नॉर्मल लोहे के बर्तन के लिए भी फॉलो करें कि बर्तन को बिना मतलब भिगोए ना, पर नॉर्मल जो लोहे के बर्तन होते हैं उन्हें आप जरा घिस सकते हैं। वहां पर आपको कास्ट आयरन की तरह बहुत जेंटल होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से उसे धोएं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही कुकवेयर अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता है जो आप ज़्यादा आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप उठा भी आसानी से सकते हैं, उसके हिसाब से आप दोनों में से कोई भी परचेज कर सकते हैं। कास्ट आयरन का तवा कंपेयर टू जो नॉर्मल लोहे का तवा होता है, डोसा वगैरह बनाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि सीजनिंग की एक अच्छी लेयर उस पर जमा हो जाती है। उस वजह से एक नॉनस्टिक लेयर उस पर डेवलप होती है और डोसा, उत्तप्पा, ये चीज़ें उस पर काफ़ी अच्छी बनती है और हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन कास्ट आयरन और नॉर्मल आयरन के कुकवेयर की। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अब जो कास्ट आयरन की कुकवेयर मेरे पास है या मैं रेकमेंड करती हूँ, उन सब की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी। मेरे पास जो नॉर्मल आयरन के बर्तन हैं, ये अगर मुझे ऑनलाइन दिख जाते हैं तो मैं इनकी लिंक शेयर करूंगी, क्योंकि ये मैंने कुछ शॉप्स में से खरीदे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। सिमिलर किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप अपनी सजेशंस या फिर रिक्वेस्ट मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।